मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट अकाउंट क्लास। प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल। टुडे वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अभी पार्ट में करेंगे, इसके बाद पूरे एक फुल मैप न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। किसी व्यक्ति ने, कोई ओनर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैपिटल लगाई और क्या आया, कैश आया, है ना। तो आप ये हमेशा याद रखिए, जो ओनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका हम नाम शो नहीं करते हैं। ओनर को रिप्रेजेंट क्या करती है, उसकी कैपिटल। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। क्योंकि बिजनेस में जब हम कैपिटल लगाएंगे, ओनर स्टार्ट करेगा, तो और कैश हमारे पास आएगा, तो क्या एंट्री होगी, देखिए हम करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट आपकी एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। वहाँ पर पढ़िए, देखिए, जनवरी 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो सबसे पहला यहाँ डालेंगे डेट जनवरी 1st। अब लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्या, ब्रिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और अमाउंट कितना आएगा 20,000 और 20,000, क्लियर। अब देखिए आप कि क्या है कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश हमारे पास आएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट में आता है। तो देखिए वहां पर रूल्स देखिए, रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश हमारे पास आएगा तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा हमारे पास, कैश, इसलिए उसको क्या किया गया है, डेबिट। अब कोई ओनर है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, कैपिटल लगाई है, तो मैंने अभी बताया कि ऑनर को बिजनेस से अलग माना जाए, उसको किससे शो किया जाता, कैपिटल अकाउंट। ऑनर को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता, ऑनर का कोई भी अकाउंट नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखिए अब ऑनर किस में आ गया, ऑनर जिस जो लगा रहा है बिजनेस में पैसा, वो पर्सनल है ना, व्यक्ति है ना कोई, वही पैसा लगा रहा। तो देखो वहाँ रूल्स पढ़ो, सबसे फर्स्ट रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, है ना। तो देने वाला कौन है, ऑनर, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई कंप्लीटेड, सॉरी उसके ऊपर लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए सेकंड, देखिए विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। क्या लिखा, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो कितना लिख दिया हमने 200, क्लियर, कितना लिख दिया हमने 200। अब देखिए जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस पर्पज से नहीं, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से,
क्लियर। इसके लिए अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसको अब ऑनर ने पैसा निकाला है, अब यहाँ पे ऑनर को किससे अपन ने रिप्रेजेंट करा, कैपिटल से, है ना। अब यहाँ पे निकाल कौन रहा है पैसा, ऑनर, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्राइंग से, है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और निकाल क्या रहा है वो पैसा, टू कैश अकाउंट। देखिए लिखते हैं, सबसे पहला जनवरी, सेकेंड को सॉरी फिफ्थ, अब क्या लिखेंगे यहाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्या, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये लिखेंगे क्या है, बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब मैं एक बार नरेशन बता देती हूँ, फिर बार बार करवाऊंगी तो नहीं बताऊंगी, एक बार आपको। अब अमाउंट कितना लिख देंगे, 200। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।